नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन विस्कम एल्बम के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्कम एल्बम प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जो कि एक स्पेसीज है मिसेल्टो की, जो कि सेंटेलियसिस फैमिली से बिलोंग करती है। दोस्तों, विस्कम एल्बम को मैं खुद बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स को देता हूँ और हर दिन लगभग विस्कम एल्बम कभी ना कभी प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंट्स को। अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं या होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको विस्कम एल्बम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि विस्कम एल्बम हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियों में आपको विस्कम एल्बम यूज़ करना चाहिए और किस पोटेंसी में विस्कम एल्बम यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि विस्कम एल्बम हमारे शरीर पर असर कहां पर करती है और क्या करती है। विस्कम एल्बम हमारे शरीर के वेसल्स में असर करती है, आर्टरीज में असर करती है और वेंस में असर करती है। और जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जो पल्स कम हो जाता है, जो हमें ब्रैडीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है और पल्स हमारी कम चलती है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। विस्कम एल्बम हमारी नसों में असर करती है, नर्व्स में असर करती है और शियाटिका जैसे बीमारियों को ये ठीक करती है। दोस्तों, विस्कम एल्बम हमारे शरीर में गठिया बात को भी ठीक करती है और साथ ही साथ हमारे किडनी में असर करती है। और जो हमें एल्बुमिनूरिया की प्रॉब्लम होती है, जो यूरिन से एल्बुमिन निकलता है, प्रोटीन निकलता है, उसको भी ये ठीक करती है। दोस्तों, विस्कम एल्बम हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोगों की लड़ने की क्षमता बढ़ाती है और साथ ही साथ कुछ कैंसर सेल्स को भी ये किल करती है, ख़त्म करती है। दोस्तों, तो ये था विस्कम एल्बम का एक्शन। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण की तरफ, कि हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण होंगे तो हमें विस्कम एल्बम लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिर से। तो सबसे पहले आपका सिर बहुत ज़्यादा फटेगा और ऐसा लगेगा कि पूरा स्कल कोई उठा के ले जा रहा हो। अगर ऐसे लक्षण आपको समझ में आते हैं तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके आँखों के चारों तरफ घेरा बन गया है एक नीले कलर का या काले कलर का और काफ़ी दिनों से है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है विस्कम एल्बम। दोस्तों, आँखों से अगर आपको डबल विजन दिखाई दे रहा हो, मतलब एक चीज़ ही दो दिखाई दे रही हो या हल्की सी ब्लर दिखाई दे रही हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कान में आपको बजने की आवाज़ सुनाई दे रही हो, टाइनेटस की प्रॉब्लम हो, साथ में कान बिल्कुल भरा भरा सा महसूस होता हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ठंडियों में अगर आपके कान से कम सुनाई दे या बिल्कुल भी सुनाई ना दे, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर मारता हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अब सिर से चलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो और साथ ही साथ जब आप लेफ़्ट साइड में लेटते हो और ये तकलीफ़ बढ़ जाती हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है विस्कम एल्बम। अस्थमा के लिए भी विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन अगर आपको गठिया या बाद है उसकी मेडिसिन आपने कराई है और गठिया बाद ठीक हो गया है लेकिन अस्थमा हो गया है, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। या फिर आपको गठिया बाद है और साथ ही साथ आपको अस्थमा है, तो दोनों ही कंडीशन के लिए अगर आप विस्कम एल्बम लेंगे तो दोनों ही कंडीशन ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, खासकर लेटते समय, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है विस्कम एल्बम। दोस्तों, रेस्पिरेटरी से चलते हैं फीमेल की तरफ। तो अगर आपको डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम है, मतलब मेंसेस के दौरान आपको दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और जो कमर का दर्द है वो पूरा नीचे की तरफ जाता है, पैरों से होते हुए पूरा नीचे आपको दर्द होता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है विस्कम एल्बम। दोस्तों, जैसे सियाटिका का पेन होता है, लगभग वैसा ही दर्द होता है मेंसेस के दौरान डिसमेनोरिया में। दोस्तों, मेंसेस जो हैं ब्लीडिंग काफ़ी होती है और ब्लीडिंग में हल्का सा क्लॉट होता है और हल्का सा रेड कलर की ब्लीडिंग होती है।
क्लॉट के साथ अगर रेड कलर की ब्लीडिंग हो, साथ में डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम हो, दोस्तों क्लाइमेटिक फेज के दौरान, मतलब वो फेज जहाँ पर आपके मेंसेस बंद होने चालू हो जाते हैं, ऐसी फीमेल्स जिनकी उम्र लगभग 45 से लेकर 55 के बीच में रहती है और धीरे 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 मेंसेस बंद होते हैं, बीच बीच में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उस फेस के दौरान विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चाहे वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो, चाहे वो कमर में दर्द हो, या आपका ब्लड प्रेशर लो होता हो, चक्कर आते हो, अजीब सा लगता हो, विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। जो पेल्विक पेन होता है, जो आपके कमर का दर्द होता है और कमर के नीचे का दर्द होता है, वो शूटिंग पेन होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो, बिल्कुल ऐसा तेज़ी से दर्द नीचे की तरफ जाता है और साथ में एक ऐसा दर्द लगता है जैसे फट गया हो कोई चीज़। तो अगर आपको ऐसा दर्द महसूस होता है तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रिटेंड प्लेसेंटा के लिए विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा बच जाता है कभी कभी किसी किसी कंडीशन में और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हालांकि इसके लिए सिकल कोर विस्कम एल्बम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, मतलब एंडोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मेनोरेजिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि लगभग 60% फीमेल्स जो हैं वो लगभग लो ब्लड प्रेशर की शिकार रहती हैं, जिनका ब्लड प्रेशर 90, मतलब सिस्टोलिक 90 से कम हो और डायस्टोलिक 60 से कम हो, मतलब 90-60 से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब चलते हैं दिल की तरफ। तो दिल में जो वॉल्व्स होते हैं, जो मिट्रल वॉल्व्स होते हैं, वो अगर आपके थोड़े से हाइपरट्रॉफ हो जाए, मतलब थोड़े से उसमें मोटापन आ जाए और वो खुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो, स्टेनोसिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है विस्कम एल्बम दोस्तों। तो अगर आपकी पल्स थोड़ी सी कम हो और पल्स थोड़ी सी कम समझ में आए, मतलब वीक हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हार्ट की बीमारी के कारण अगर आपको लेटने में सफोकेशन या सांस लेने में दिक्कत हो तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ख़ासकर लेफ़्ट साइड में अगर आप लेटते हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है हार्ट की बीमारी के कारण, ख़ासकर जो साइनोएट्रियल नोड और जो AV नोड होता है उसके कम रिस्पॉन्स के कारण अगर लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। आपको ऐसा लगे कि आपके दिल में किसी ने वेट रख दिया हो और किसी ने ऐसे दबा दिया हो दिल को और दर्द महसूस हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ऐसा ही दर्द हार्ट अटैक में भी महसूस होता है दोस्तों। लास्ट में मैं आपसे एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हाथ पैर और बैक, मतलब कमर के बारे में बात करूँगा। अगर आपको गठिया या बात की प्रॉब्लम है और दर्द जो है वो चलता रहता है, कभी आपको यहाँ दर्द होता है, कभी आपको यहाँ दर्द होता है, कभी आपको यहाँ दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, साथ में सूजन होती है, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। सियाटिका में अगर आपको कमर से दर्द जो है वो नीचे की तरफ जाता है और शूटिंग पेन होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो और बहुत तेज़ी से दर्द नीचे की तरफ जाए और ऐसा लगे कि फट गया हो, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो, उठने बैठने में तकलीफ़ हो, चलने फिरने में तकलीफ़ हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दर्द जो है कभी कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाता हो और कभी कभी एकदम से फिर से आ जाता हो, जैसे कि अगर आप लेटने जाते हैं और दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मांसपेशियों की जकड़न के कारण अगर आपको झटके आएँ या आपका हाथ कपकपाता हो या आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, तो एपिलेप्सी में भी विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई कीड़ा या मकड़ी आपके हाथ या पैर में चल रही हो और हल्की सी ईचिंग सी महसूस हो, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये थे विस्कम एल्बम के लक्षण। विस्कम एल्बम के लक्षण ठंडियों में बढ़ जाते हैं, कोल्ड अगर आप ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो बढ़ जाते हैं, अगर ठंडी हवा चलती है या ठंडा तूफ़ान चलता है, या इस समय काफ़ी तूफ़ान चल रहा है भारत में, तो इस समय अगर आपके लक्षण बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ लेटने में और ख़ासकर लेफ़्ट साइड में लेटने में आपके लक्षण बढ़ जाते हैं, ये जो लक्षण मैंने बताए हैं अगर वो बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन
विस्कम एल्बम दोस्तों। ये थे लक्षण, अब चलते हैं विस्कम एल्बम को कौन कौन सी बीमारियों में लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शियाटिका से ही शुरुआत करूँगा। शियाटिका के लिए विस्कम एल्बम 6CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। विस्कम एल्बम 6CH पोटेंसी में 2 बूंद आपको पीना है दिन में 3 बार, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को। अब चलते हैं गठिया और बात मतलब आरे और गाउट के बारे में। तो अगर आपको आरे या गाउट है और आपके लक्षण मिल रहे हैं विस्कम एल्बम से, तो आपको विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 6 में नहीं करना है, 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को। विस्कम एल्बम फीमेल कंप्लेंट मतलब हैवी ब्लीडिंग या आपको डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है या रिटेंट प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होती है या आपको एंड्रोमेट्रियम में इन्फ्लामेशन हो गया है उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो विस्कम एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और विस्कम एल्बम को इस कंडीशन में 6CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। आपको लगभग 5 बूंद दिन में 3 बार लेना है। विस्कम एल्बम टाइनेटस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और डिफनेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, मतलब आपके कान में सनसनाहट या आवाज़ सुनाई देती है या आपको कान में सही तरीके से सुनाई नहीं देता और लक्षण मिलते हैं विस्कम एल्बम के, तो विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। अगर आपको सिर दर्द होता है और लक्षण मिलते हैं विस्कम एल्बम से, तो आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खासकर लेटते समय सांस लेने में तकलीफ़ होती है, साथ ही साथ आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है और अस्थमा के साथ आपको आरे और या गाउट की प्रॉब्लम है, तो विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो विस्कम एल्बम 6CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस गाउट की प्रॉब्लम है तो विस्कम एल्बम 6CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार, कम से कम 3 से 6 महीने तक इसको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। जो मैंने लक्षण पहले बताए हैं, अगर आपको वो लक्षण मिलते हैं तो आप विस्कम एल्बम 6CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करिए। विस्कम एल्बम ज़्यादातर क्रॉनिक डिसीजेस की मेडिसिन है, मतलब लंबे समय से बीमारियां जो होती हैं जैसे शियाटिका, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उन सब की ये मेडिसिन है, तो आपको विस्कम एल्बम कुछ दिन तक यूज़ करना है, कम से कम 1 महीने तक यूज़ करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको विस्कम एल्बम अच्छे से समझ में आई हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।